जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरिस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की हार के बाद कोच गौतम गंभीर केएल राहुल पर भड़कते हुए और बड़ा खुलासा कर उन्होंने हर किसी को हैरान कर रख दिया। वो सब तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी क्या मानते हो, क्या केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ की टीम इस साल आईपीएल के लिए क्वालिफाई करेगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2022 का 63वां मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। जहां आज के इस मुकाबले में हर किसी को जहां एक तरफ उम्मीदें लग रही थी कि लखनऊ की टीम राजस्थान की टीम को हराकर आज एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा हम सभी को होता हुआ नजर नहीं आया। दरअसल हुआ ये कि आज के इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए थे और लखनऊ की टीम को लक्ष्य मिला 179 रनों का। हालांकि दोस्तों 179 रन बना पाना लखनऊ की टीम के लिए तो छोड़िए दूर था, लेकिन वो यहां पर 154 रन ही बना सकी, जिसके चलते लखनऊ की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाते के साथ ही 24 रनों से इस मुकाबले को हार गई। हालांकि दोस्तों लखनऊ की टीम के इस हार के बाद उनके कोच गौतम गंभीर काफी ज्यादा भड़कते हुए बीच मैदान पर ही नजर आए। जी हां दोस्तों, वो अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं है और उन्होंने केएल राहुल समेत अन्य खिलाड़ियों की काफी ज्यादा फटकार इस दौरान लगा डाली है। जी हां दोस्तों, यहां पर गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा बड़ा बयान केएल राहुल के ऊपर दे डाला है और साथ में उनकी कप्तानी के ऊपर ऐसी बड़ी बात कही जिसको सुनने के बाद शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के कप्तान केएल राहुल के ऊपर गौतम गंभीर काफी ज्यादा भड़के और पहले तो उन्होंने केएल राहुल के आंकड़े बताए कि आखिरकार बतौर कप्तान केएल राहुल 10 और 12 रन की पारी ही खेलकर टीम को जीत नहीं दिला सकते हैं। और फिर आगे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी टीम को कैसे आगे लेकर चलेगा। राहुल भले ही एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन एक अच्छा कप्तान बनने के लिए उनको अभी भी काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। राहुल को नहीं पता है कि अपनी टीम को किस तरह से चलाया जाता है। मैंने हमेशा ही राहुल का साथ दिया है, लेकिन अंतिम पड़ावों पर आकर अगर आप इस तरह के मुकाबले हारोगे तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों आगे भड़कते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि पिछली बार मैंने जब टीम के खिलाड़ियों पर डांट लगाई थी उसके बाद हर एक खिलाड़ी के अंदर जोश था कि वो अगला मुकाबला जरूर जीतेंगे, लेकिन आज का ये मुकाबला जो टीम के लिए प्रदर्शन कर आया वो जानता है कि उन्होंने आज क्या ही करा है। तो वहीं दोस्तों आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको एक एक मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा। आप इस बात पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि अपने आप ही टीम जीत जाएगी और आपको भी प्रदर्शन कर दिखाना होगा। और उम्मीद करता हूं कि आगे होने वाले मुकाबलों में केएल राहुल जरूर इन मैचों से सीख लेंगे और ये सीख उनके लिए काफी ज्यादा कारगर बाद में भी साबित होगी। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर गौतम गंभीर काफी ज्यादा भड़कते हुए इस दौरान नजर आए। हालांकि अब आप सभी की क्या राय है, क्या गौतम गंभीर अपनी जगह पर बिल्कुल सही कह रहे हैं या फिर गलत? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।